ना नारा कलम हो ना। मेरा तमाम बलोचिस्तान को बाजियाब करो, बाजियाब करो। लापता बलोचिस्तान को बाजियाब करो, बाजियाब करो। तमाम बलोचिस्तान को बाजियाब करो, बाजियाब करो। सलाम पेश किया अरा तेना वतन नंग नामूद इज्जत गैरत की जाने को बंद करो आइनुना अरा की दा अंति तिखानो दा सिर्फ आइनुना मसल सब दा आई रोज ना नंदाड़ी बारे ना दारे बलों की सूरन पाते दाती लवाई की लाते दारे ना ईड नुम्मा खाते तो कुल्ले बलों की मिसिंग बस अंत के रहे तो ना बलों की सूरन पाते तो पंजाब तमाम लापता अफराद को लापता अफराद को जानी मुकाबलों में कत्ल करना लापता अफराद को जानी मुकाबलों में कत्ल करना बंद करो, बंद करो। तमाम लापता अफराद को ये कॉमरेड हजब रवायत सुर्ख सलाम बोलो शहादा को सुर्ख सलाम उन नसीरों को उन बलोच नसीरों को जो अपने वतन के लिए दर्द रखने की पादाश में साला साल कैद अजियत से गाजर सारे बर्दाश्त कर रहे हैं। इसके बाद मैं अपनी बहनों को विराद तहसीन पेश करता हूँ जिनकी पूरी जिंदगी का तीन तिहाई हिस्सा इन रोडों में एहतजाज करते हुए गुजर गई। जैसे आप सबको पता है लापता अफराद का सिलसिला सालों साल से चलता आ रहा है। बलोच वो वाहिद बदबख्त कौम है, बलोच वो वाहिद बदबख्त कौम है जिसके साथ ये जुल्म ये रियासती जुल्म गुज़श्ता कई दाइयों से जारी है। आप सबको पता है कुलभूषण यादव जिसे आपकी रियासत सर्टिफाइड दहशतगर्द कहता है उसको भी ये रसाई हासिल है, उसको भी ये रसाई हासिल है, उसको भी उनकी फैमिली मेंबर से उनके माँ बाप से मिलने दिया जाता है। एहसानुल्लाह एहसान जैसे हजारों लोगों का कातिल है उसको भी ये सहूलत हासिल है, उसको भी यही सहूलत हासिल है कि वो टीवी पे आके बाकायदा अपना मंशूर बयान कर सकता है। लेकिन बलोच वाहिद वो बदबख्त कौम है जो मैं जाकिर मजीद की बात कर रहा हूँ जो 14 सालों से
चौदह सौ सालों से लापता है, जिसका कोई भी पता नहीं कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है। भाई कोई जुर्म है तो आपकी अदालतें हैं, आपकी अपनी अदालतें हैं, वही अदालतें आप नवाज शरीफ को उन्हीं अदालतों से आजाद कराते हो, फिर आपकी ख्वाहिश पर उसे आप न्याय करवा देते हो, वही अदालतें हैं आप इमरान खान को उन्हीं अदालतों से लाजा करा देते हो, वही अदालतें हैं आप इन्हीं अदालतों के जरिए इमरान खान को मुल्ज़िम करार देते हो, तो आपकी अपनी अदालतें, अपनी अदालतों पे इतमाद करो, अपनी अदालतों पे आप भरोसा करो। जो बलोच मिसिंग पर्सन है, जिन्होंने कोई जुर्म की है, जिनसे कोई सजा सरसत हुई है, तो लाए आपकी अपनी अदालतें हैं, ये जज तो सारे आपके बिकाऊ जज है, वही उन्हीं से आप उनको सजा मौत देते, लेकिन खुदा रहा हमारी लेफ्ट जिगर को इस तरह न करें। शुक्रिया तमाम लापता अफराद को
कि दुनिया भर तो बनते क्या अंचे की तवशे क्या टाट सीलान क्या चिकट का साल बाद तो हेलो बनते तन का पाकिस्तान में दारा नहीं जरूरत ही नहीं कि पर हमारा जुस्त पे ना कि तो एक रुचा टाट सीरा एक साल एक महा टाट सीला बुत गए तो कई किरा बुते तो कुछ बुत गए आए तो अफगानिस्तान और ईरान बुत एक सरसा बुत कुछ के मर्द अफगानिस्तान एक ईरान और मैदा कुछ के पाकिस्तान ना दारा में बुतगा हमें वर्द के यलो बनते हमेशा तो पूरा जरूरत के जुस्का ये तो कुछ बुत गए शुभ एक होता टाट सीला बुत गए हम मर्द की दा बड़ा वाप की का यानी फैमिली और दृश्य नकंती चोने चेहरा चोने मर्द बुत गए सारी वादा इसे अगर जरूरत थी भी वाकई तो मसला हल करने पड़ता मसला जो है हल कर फोर्स करने भले ये मसला बलूच मसला इस पर हल करने के नलूट हैं अधेम आकार से गिश्त है बलूच मसला हाईलाइट भी थी तो देम बलूच रोच रोच गार देगा करने की थी बलूच मास को रोजा नोट आंसर मिलता पर्याप्त के नाते वो ताकि दुनिया के माँ बलूच मास को हार क्या आखिर चाहता वीरान बनते चार दस साल जिंदा बंद एक चार दस साल एक बंदे जहागी पैदा भी थे चार दस साल नौजवान भी थे तो अब हमें वर्तमान जिसका के चार दस साल चार दस साल तक क्यों जिंदगी वाद मिले ये बलोच का मसला हल्के ना के नियम का तो पुष्टि ना पूरा कमिटियां चार स्पेशल प्लेयर पे कमिटियां चार मुसीबत यहाँ मिले जाते हैं इजाज जाने भी थी कि पाकिस्तान बलों से मल्लापता अपराधे मसला इस पर हल करने ना रोटी और मैंने तो रखी तमाम भाइयों की गिरफ्तारी भी सीसीडी में जाए थी।
जो लाशें फेंक के जाते हैं वो बिल्कुल भी पहचाने नहीं जाते हैं। आया हम क्या समझे हमारे भाई कहाँ है, उनका क्या हाल है, उनको किस हाल में 5 सालों से रखा गया है। और सरफराज बुख्ती जो है अभी उसके वो कमीशन बनाया गया है लापता अफराद के लिए, और उसका सरफराज जो है सरफराज बुख्ती है। वो सरफराज बुख्ती जो लापता अफराद इशू को मानने को तैयार नहीं है, हम नहीं समझते कि वो सरफराज बुख्ती हमें इंसाफ दिलाएगा। मैं उन अदारों से अपील करती हूँ जो ताकत रखते हैं, जिन्होंने हमारे पैरों को लापता किया है, मैं उनसे अपील करती हूँ कि मेरे भाइयों को बाजियाब कर दें। अगर वो आपके मुजरिम हैं, आपके रियासत के मुजरिम हैं, तो उन्हें अदालत में पेश करें। बलोच तलबाओं की जबरी गुमशुदगियां बंद करो, बंद करो। बलोच तलबाओं की जबरी गुमशुदगियां बंद करो, बंद करो। बलोच तलबाओं की जबरी गुमशुदगियां बंद करो, बंद करो। उन्होंने अपनी तहरीक वतन से सुना, इस कौम की बका के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। सीटीडी जैसे दहशतगर्द इदारों को के हाथों शहीद हुए, या उन लोगों के हाथों शहीद हुए जिन्हें हम हमेशा नामालूम अफराद के नाम से जानते हैं। यकीनन लापता अफराद का जो मसला है वो सिर्फ बलोच का नहीं बल्कि एक इंसानी मसला भी है। इस मुल्क में एक इंसानी बहरान ने जन्म दिया है, जहां कुछ लोग न कानून न आइन न यहाँ की रिवायात किसी भी चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। आए रोज़ यहाँ पर बाशऊर तलबा, जिनको हम बाशऊर कहते हैं, वो कौमी हवाले से और अपने कौमी मसाइल के हवाले से बाखबर है। उन लोगों को कभी तालीमी इदारों से, कभी उनके घरों से, कभी रात के अंधेरों में हॉस्टलों से अगवा करके सालों साल अपने टॉर्चर सेलों में टॉर्चर करते हैं। फिर जब भी इनका मुकाबला किसी अपने ताकत के मुकाबले में एक ताकतवर से होता है, फिर वो इन निहत्थे लोगों को निकाल कर इनके सीनों में गोलियां दागते हैं। और फिर पहले मुसल्ला दिफा होता था, फिर उसके बाद इसको वर्दी वालों में तब्दील किया। आजकल ये कारनामा सीटीडी सर अंजाम देता है, कत्ल कोई और करता है, जिम्मेवारी कोई और उठाता है। एक मुल्क ऐसा बनाया है जिसमें कोई पूछने वाला नहीं है, किसी का मुआसबा आज तक नहीं हुआ है, किसी कोई एहतसाब के लिए तैयार नहीं है। ना यहाँ जर्नल एहतसाब के लिए तैयार है, ना यहाँ जज एहतसाब के लिए तैयार है, ना यहाँ पर स्कूल का टीचर एहतसाब के लिए तैयार है, ना यहाँ सीटीडी एहतसाब के लिए तैयार है, ना इसके जासूसी इदारे एहतसाब के लिए तैयार है। हर किसी का अपना एक मर्जी और जोर है, एक ताकत है, जिसके साथ ज्यादा ताकत है वो कम ताकत वाले को दबाता भी है, प्रेशर भी देता है, डराता भी है, उठाता भी है, कत्ल भी करता है। अब राशिद हुसैन का वाक्य आप ले लें, यहाँ के इदारों ने उसे दुबई से लाया, किसी के बाप की जरूरत नहीं है किसी को दूसरे मुल्क से ला सके। मुझे और आपको तो मनान चौक से जाने का इजाजत नहीं, हमारे जीव में शुनस्तिकार ना हो, हमें आप जलील कर देते हो। हम बलूची बोलने वाले हैं, हम बलूची बोलते हैं, हम द्रावी बोलते हैं, उसके बावजूद हमारे शनाख्ती कार्ड चेक करके हमें कहते हैं ऐसा ना हो आप माजिर हो। लेकिन राशिद हुसैन को दुबई से लाया गया, यहाँ लाया गया, यहाँ के टीवी चैनल ने उसे कवर किया, उसे ले गए। आज तक मैं पूछता हूँ इन साफियों से, ये भी एहतसाब के लिए तैयार नहीं है। अगर सलीम साफी ये तालिबान के तर्जुमान का इंटरव्यू कर सकता है, उसका इंटरव्यू कर सकता है, क्या इस न्यूज को ब्रेक नहीं कर सकता है कि ये बंदा आया इन जासूसी इदारों के साथ है, आया सीटीडी के साथ है, फौज के किसी और इदारे के साथ है, इसका गुनाह क्या आया, इसकी वालिदा का गुनाह क्या है, इसके खानदान का गुनाह क्या है। डॉक्टर दीन मोहम्मद की बेटियां छोटी छोटी होती थी, आज जवान हुई है इस रोडों पर। इस रियासत के इदारों में, इनके लोगों में कोई शर्म है नहीं है? अगर उनमें शर्म नहीं है, मैं बलूचों से कहता हूँ कि तुम लोग उठो, तुम लोग एक इत्तेहाद बनाओ। इनकी आंखों में आंखें डालकर अपने लोगों का हिसाब नहीं दे सकते हो तुम? आए रोज ये आकर कत्ल करते हैं, हम यहाँ खड़े होकर एक दूसरे को ताने मारते हैं। हमें ये नहीं करना चाहिए। ये सीटीडी, चाहे इसके दूसरे जासूसी इदारे हैं जो लोग उठाते हैं, जो मावराए आइन लोगों को उठाते हैं, जो मावराए आइन कत्ल करते हैं, जिनकी अपनी ताकत और अपने रवैये है, जो सीक्रेट एक्ट है, जो कोई भी एक्ट है, हम उसे नहीं मानते हैं। अब किसी भी ऐसे एक्ट को नहीं मानते जो हमें अंधेरों में कत्ल करने का इजाजत देता है।
हम किसी भी ऐसी अदालत को नहीं मानते हैं जो एक बंद कमरे में लगता है, उसमें चार फौजी बैठ जाए, चार आम आदमी बैठ जाए या चार पुलिस वाले बैठ जाए। हम इस तरह की अदालत को नहीं मानते। अगर कानून है फिर सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। पंजाबी के लिए कोई और कानून है, बलोच के लिए कोई और कानून है। क्यों भाई, जब पंजाबी के लाश के लिए तुमको हेलीकॉप्टर मिल सकता है, 150 बंदों को या पीटीसी में शहीद किया गया, इनके लाशों को बसों में भेजा गया, ये रवैया हमारे साथ क्यों रखा जाता है? सना सना संगत का मैं नाम लेता हूँ, आप उसके वालिद गवाह इस बात के या मिसिंग पर्सन के तमाम जिम्मेदार खड़े हैं। मैं ये बात जिम्मेदारी से कहता हूँ कि जरदारी और आर्मी चीफ तक ये सिफारिश गया था, क्या उसका गुनाह उससे भी बड़ा था? क्या आप किसी के इस आम शहरी के मेरे जेब में शिनाख्ती कार्ड है, आप मुझे ये कैसे आप मुझसे ये पूछ सकते हैं? मैं इस मुल्क का आईनी शहरी हूं, आपका मेरे साथ ये रवैया कैसे हो सकता है? आप मुझे 20-20 गोली मारते हैं, इदारे रिएक्शन पर नहीं जाते हैं, रिएक्शन पर लोग जा सकते हैं, रिएक्शन पर अफराद जा सकते हैं। ये कैसे इदारे हैं जो रिएक्शन पर जाते हैं? ताबिश को कत्ल करने का वजह बताया जाए, वजह हम जानते हैं, वो आपके मुखबिरों को जानता था, वजह हम जानते हैं, आपके ये सरदार, ये ठक्करी, ये नवाब जिनके गर्दनों में सरिया है, सियासी कारकुन को जो कुछ नहीं समझते हैं, वो लापता अफराद को भी कुछ नहीं समझते हैं। उनका एक काम है चापलूसी, जमीन फरोशी, वतन फरोशी, कौम फरोशी। अरे लानत है तुम पर, तुम्हारे कमेटी पर भी लानत है, तुम्हारे किरदार पर भी लानत है। और ये जो पंजाब से आते हैं, पहले अंग्रेज का बग्घी खींचते थे, आज पंजाबी का बग्घी खींच रहे, सारे मूंछ वाले बगैर मूंछ वाले सारे बैठे हुए, शर्म आना चाहिए तुम लोगों को। आए रोज ये कत्ल करते हैं, लापता अफराद करते हैं, इनके अपने जेल है, हमारी औरतों की इसमत दरिया करते हैं। बताया जाए बारकान में इस कौमी तहरीक को काउंटर करने वाला कौन है? डेरा बुक्टी में कौन है? गुजार शहरी में कौन है? अगर नहीं पता है हम बताते हैं, मुसल्ला लोगों को हम जानते हैं, मुसल्ला दिफा को बनाने वाला कौन था? आज भी यही सरफिराज, यही प्राइम मिनिस्टर अनवर काकड़ उसे सपोर्ट करते हैं, उसके लिए बयानात देते हैं। मैं किसी सियासी पार्टी के हक में बयान नहीं दे सकता, लेकिन मैं इस बंदे के खिलाफ बोल सकता हूँ। ये हक मुझे सरजमीन ने दिया है, इस कौम ने दिया है कि मैं इस कौम के दुखों को अपना दुख समझूं। कौन यहाँ लापता अफराद का फैमिली नहीं है? मेरे घर से मेरे चचा समेत 5 लोगों को इन्होंने शहीद किया, किसी मजहबी तंजीम पर डाल दिया। हमने किसी मजहब का क्या बिगाड़ा है भाई? हमें सिर्फ इसलिए मारा जाता है क्योंकि हम जानते हैं कि इसके पीछे एक कारोबार है या एक लूटमार है, वसाइल लूटने हैं, संदक लूटना है। यहाँ का शऊर, यहाँ का मीडिया सब अंधा हो चुका है, कोई आपके हक में नहीं बोलेगा, आपको खुद बोलना पड़ेगा, अपने हक में आपको खुद निकलना पड़ेगा। ये नौकरियां छोड़ दो, अगर तुम समझते हो कि जरूरी है इनको छोड़ना, फिर छोड़ दो, लेकिन किसी को पेगोर नहीं मारो, किसी को ताने नहीं मारो। हम खड़े हैं, हम ये समझते हैं इन कमेटियों से, इन कमीशनों से कुछ नहीं होने वाला है। अगर CTD को लगाम देना है, अगर इन जासूसी इदारों को लगाम देना है और ये अमल रोकना है, मावराए आइन जो लोगों को रात के अंधेरे में कत्ल करते हैं, तो उसके लिए कम से कम मेरे सुन कहो, हर फर्द को बहसीयत बलोच निकलना होगा। आज वाइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन निकला है, मैं समझता हूँ ये एक आम मसला है, हर एक बलोच को अपने घर से निकलना चाहिए। ये दिन और ये रातें जो मेरी छोटी बहन गुजार रही है, वो आप भी गुजार सकते हैं। डरे उस दिन से जब आप खुद हो, जब आप पर ये वकुआ हो या आपके घर पर हो। और हम इस बात को बखूबी जानते हैं कि रियासत हमें एक ही नजर से देखता है। जब तक हम इसके साथ हैं, हम अच्छे हैं, हम बाशऊर हैं, हम पढ़े लिखे नौजवान हैं। जब हम इसके पॉलिसियों के साथ, इसके गलत पॉलिसियों के साथ इख्तिलाफ रखते हैं, हम बागी बन जाते, हम राख एजेंट बन जाते, हम BLA बन जाते। ओ लाला, हम कुछ नहीं है, हम बलोच है। ये जमीन की मीराश की बात कर रहे हैं, इसकी मिल्कियत की बात कर रहे हैं। ये किसी पंजाबी ने हमें खैरात में नहीं दिया है, या हमने मुगल से खैरात में नहीं लिया है इसको। इसको हमारे बाप दादा ने लड़ कर लिया है, नूरी नसीर खान से लेकर आज भी। मैं कहता हूँ इस बात को फख्र के साथ कहता हूँ कि इस वतन पर हमारे हजारों शहीदों के कब्रिस्तान है जिन पर तुम
सिपाही गुजारे और तुम कहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ू। बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा तुम्हें इस काम के। अगर इसमें बलोच का फायदा नहीं है तो मैं समझता हूं ये मेरे इस्तेसाल के लिए बनाया गया है और मैं अपना इस्तेसाल उन्हें नहीं दूंगा। अगर इस मत में मुझे मारा जाता है, मुझे कत्ल किया जाता है, मैं समझता हूं ये जिम्मेदारी बलोचकाओं का है कि वो इन लोगों को अगन के सामने खड़ा नहीं हो सकता है, कम अज कम इनके नाम ले, कम अज कम बहसीत कौम अपना गम अपना दुख दुनिया के सामने तो रखे कि हमारे साथ क्या हो रहा है। मैं आप तमाम दोस्तों का बहुत मशकूर हूँ, ममनून हूँ कि आपने मुझे सुना और मुझे बोलने का मौका दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के एहतजाजी मुजाहरे में शरीक मेरे भाई दोस्तों और मुख्तलिफ पार्टियों के रहनुमाओं कारकुनों अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह आप सब लोगों के इल्म में है कि आज का एहतजाजी मुजाहरा वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन के प्लेटफार्म से किया जा रहा है। हमारे आज के एहतजाज का मकसद जो बलूचिस्तान में बलोच लापता अफराद को जेली मुकाबलों में कत्ल किया जा रहा है उनके हवाले से हमारा मुतालिबा है कि उनको फौरी तौर पर बंद किया जाए और इन मसलों के हवाले से आज तक ना उसका रिपोर्ट मंजरे आम पर आया ना कुछ उन्होंने लिख के विफाकी हुकूमत को दिया ना आला अदलिया को दिया। उसके बाद जब पीडीएम की गवर्नमेंट आ जाती है उस टाइम के नून लीग के विफाकी लॉ मिनिस्टर नजीर तार के सरबराही में एक कमीशन बनाया जाता है। वो कमीशन भी यही दावा करता है कि ये एक आला इख्तियाराती अदालत कमीशन होगा जो मिसिंग पर्सन के मसले को हल करेगा। हम उनसे पूछना चाहते हैं, हमें बताएं कि नजीर तार के सरबराही में बनाई गई जो सारे पीडीएम पाकिस्तान के मेन पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत थी, हमें बताए कि आप लोग बड़े दावे करते हो, आप लोग आके कहते हो कि हम बलूचिस्तान के लोगों को रिलीफ देंगे, उनके साथ नाइंसाफिया हुए है और आके कहते हो कि हम मिसिंग पर्सन का मसला हल करेंगे। आप हमें बताए कि आप लोगों की कमीशन की रिपोर्ट काम पर है, वो कमीशन भी उन्होंने गैर फाइल कर दिया और इसी तरह आप देखते हैं कि एक ऐसे मुतनाजा शख्स के सरबराही में एक कमेटी बनाई गई है जिसको हम सियासी फिगर भी नहीं समझते है। उसकी आप तारीख उठा के देखे, उनके स्पीचेस उठा के देखे और जितने भी उन्होंने काम किया है उन्होंने हमेशा अवामी जुबान में उन्होंने बात नहीं की है और उसमें आज तक बलूचिस्तान के लोगों के जो बुनियादी राइट्स है, आप मुझे यहाँ पर हमारे मीडिया के दोस्त खड़े हैं, आप उनकी एक स्पीच उठा के देखे कि इन्होंने अपने लोगों के हवाले से बात की है या बलूचिस्तान के राइट्स के हवाले से बात की है, तो हम किस तरह ये भरोसा करें कि ये मुतनाजा शख्सियत जो एक सियासी फिगर नहीं है, जिन्होंने हमेशा अवामी हकूक की पासबानी नहीं की है बल्कि उन्होंने हमेशा जब की बात की है या मुल्क के ताकतवर इदारों की वकालत की है, तो हम इस तरह के कमेटियों को नहीं मानते। आज मैं प्रेस क्लब के सामने इस कमेटी को जो निगरान हुकूमत की तरफ से बनाई गई है इसको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करता हूँ। और इसके अलावा हम ये कहना चाहते हैं अगर गवर्नमेंट मुखलिस है मिसिंग पर्सन के मसले को हल कराने के लिए तो हमें बताया जाए कि पाकिस्तान की लॉ को देखा जाए, इंटरनेशनल लॉ को देखा जाए, जब कोई मसला दरपेश होता है तो उस हवाले से हुकूमती सतह पर कमेटी बनाई जाती है। उस कमेटी की ये आईनी जिम्मेदारी होती है कि वो इस कमेटी में जो भी चीज़ें होते हैं उनको मंजर आम पर लाए, जो चीज़ें उनमें मुलविस है उनको मंजर आम पर लाया जाए, जो मावराए आईन इकदाम उठाए जाते हैं उनको मंजर आम पर लाया जाए, जो इदारे उनमें मुलविस है उनको मंजर आम पर लाया जाए और जिनके साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है उन चीज़ों को मंजर आम पर लाया जाए। तो इसमें
आप लोगों का 2010 में जो कमीशन बना है उसने 2013 में इन चीजों की निशानदेही की, और इस हवाले से सरदार अख्तर जान की सरबराई में जो कमेटी बनाई गई उन्होंने भी इन चीजों की निशानदेही की कि बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियों में मुल्क के ताकतवर इदारे मुलविस है। बलोच तलबा की जबरी गुमशुदगियों में मुल्क के ताकतवर इदारे मुलविस है। मसद सुदाला से सेंगे में मुल्क के ताकतवर इदारे मुलविस है। और उसके अलावा उस कमेटी को हमने अक़वामे मुत्तहिदा से असेंबली से जो जबरी गुमशुदगियों के मसले के हल के हवाले से रिकमेंडेशन पास हुए थे हमने उनको भी वहाँ उनको प्रोवाइड की, वो भी उस रिपोर्ट का हिस्सा है। तो हम ये समझते हैं कि अगर कोई हुकूमत मिसिंग पर्सन के मसले को हल करने में संजीदा है सबसे पहले वो कमीशन की रिपोर्ट पे अमल दरामद कराए, उसके बाद जो सरदार अख्तर जान की सरबराई में जो कमेटी बनाई गई है उस कमेटी के सिफारिशात पर और उस कमेटी के जो अहकाम है और सिफारिशात है उस पर अमल दरामद करे। और इसके अलावा हम किसी एक कमेटी को मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर कमेटी बनेगा तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का मुतालबा यही होगा कि वो पहले इन चीज़ों पे अमल दरामद कराए। अब हम किस तरह अगर एक अलहदा कमेटी बनाया जाएगा और उसमें 5 साल हम दोबारा लापता अफराद के खानदान को तकलीफ करे, वो वहाँ पे स्टेटमेंट दे और वो गैर फाल हो, तो इस हवाले से मैं जो समझता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन के सतह पर यहाँ पे जबरी गुमशुदगियों का तसलसल दस्तूर जारी है। मिसिंग पर्सन को फेक इंकाउंटर में कत्ल किया जा रहा है। बलोच तलबा की प्रोफाइलिंग की जा रही है, उनको मुख्तलिफ इदारों से उठा के जिंदानों में डाला जा रहा है और उन्हें फेक इंकाउंटर में कत्ल किया जा रहा है। एक तरफ हम देखते हैं रियासत को, रियासत का कोई इदारा आज तक इस मसले को हल करने के हवाले से संजीदा नहीं है। तो इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि ये एक बुनियादी मसला है जबरी गुमशुदगियों के हवाले से। हज़ारों लोग बलूचिस्तान से लापता है, हज़ारों फैमिलीज अजियत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और फेक इंकाउंटर्स के वजह से लापता अफराद के अहल खाना शदीद ज़हनी करब व अजियत में मुबतला है और बहुत से ऐसे मसदशुदा लाशें मिली है। आज तक हज़ारों फैमिलीज इस अजियत में मुबतला है कि आया वो हमारे प्यारों की लाशें तो नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि अज़ बलोच कौम हमारे तमाम पॉलिटिकल पार्टी तलबा तंजीमें और यहाँ सिविल सोसाइटी हम सब का ये फर्ज बनता है कि इन मावरा आइन इकदाम के खिलाफ, इन इंसानियत सोज मजालिम के खिलाफ हमें इकट्ठे होकर जद जहद करना चाहिए, हमें अपने ताकत का मुजाहरा करना चाहिए। मैं समझता हूँ अगर यही हम लोगों का हाल रहेगा और यही हमारे प्रोटेस्टों का हाल रहेगा, हर कोई अपनी तरफ से जाके इन मसलों को उठाएगा, तो मैं ये समझता हूँ कि रियासत का हम बाल भी भीगा नहीं कर सकते हैं। जब तक हम इस प्रेस क्लब के सामने, जब तक हम ये कोठा में अपने लोगों को हजारों की तादाद में हम लोग आम पे नहीं लाएंगे, हमारा हाल यही होगा। हमारे लोगों को फेक इंकाउंटर्स में मारा जाएगा, हमारे तलबा को जबरी लापता किया जाएगा और हमारी पोजीशन यही होंगे कि हम एक ग्रोह आके आम पे एहतजाज करेगा, जाके कहीं और एहतजाज करेगा और हम ये मुतमइन होंगे। इसके बाद हम घर में जाएंगे, हम अपने रेडियो देखेंगे भाई हमारा आज का एहतजाज हुआ, मैंने बहुत बेहतरीन तकरीर की और इस दोस्त ने बहुत अच्छा तकरीर किया, हमारा रैली यहाँ से वहाँ तक बहुत बड़ा था। तो हम अपने आप को मुतमइन कर सकते हैं, ये हमें सोचना चाहिए। अगर हम अपने आप को बलोच कहते हैं, अगर हम अपने आप को बलोच के खैरख्वाह कहते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये मसला सबका है, ये वॉइस का नहीं है, ये किसी और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का इंफरादी मसला नहीं है, ये एक इज्तिमाई मसला है। इसमें हमें अपने इख्तलाफात को बुलाना चाहिए, हमें इकट्ठे होके बलोचिस्तान के जो बलोच तलबा है उनको इकट्ठा होना चाहिए, अपनी तशख्खुस के लिए उनको इकट्ठा होना चाहिए, अपनी नौजवानों की बका के लिए उनको इकट्ठा होना चाहिए और उनको अपने सरजमीन के लिए इकट्ठा होना चाहिए। हमारी पॉलिटिकल पार्टियों को भी
अवामी आवाज में बात करना चाहिए और उनको भी चाहिए कि वो इन मसलों को उठाए। आज अगर हमारी पॉलिटिकल अपनी बका की जंग लड़ रहे, उनका वाहिद मसला ये है कि उन्होंने बलोचों की बका का जंग उन्होंने छोड़ा है, बलोचिस्तान के राज की उन्होंने जंग छोड़ा है, इसी वजह से वो आज अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। तो तमाम अपनी पॉलिटिकल पार्टी से, अपनी सुल्तान तंजीमों से और पूरी बलोच कौम से और अहले बलोचिस्तान में बसने वाले तमाम अकवाम से और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से मेरी दस्त बर्दार गुजारिश होगी कि खुदारा इन मसलों में आए, हम लोग इकट्ठे होकर अपने ताकत का मुजाहरा करें और इनकी रोकथाम में हम अपनी भरपूर ताकत का मुजाहरा करें ताकि रियासत को भी पता चले कि यहाँ पे बसने वाले जिंदा लोग हैं, बलोच एक जिंदा कौम है, बलोचिस्तान में बसने वाले सारे अकवाम जिंदा कौम है, हमें अपनी जिंदा होने की सबूत देना चाहिए वरना ये मसले न रुकेंगे और न ही यहाँ का अदलिया इस पे रोक रहेगा, न गवर्नमेंट टेस्ट में होंगे, न ये मुल्क के ताकतवर इदारे इससे टेस्ट में होंगे। तो इसमें मैं समझता हूँ जो मेरे जहन में है वो मैं एक तजावीज आप दोस्तों के सामने शेयर करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि बलोचिस्तान के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वो इस पर बगौर जायजा लेंगे और इस पर सोच विचार भी करेंगे और गैदरिंग भी करेंगे और आगे जाके इस पर अमल दरामद भी किया जाएगा। एक तो मैं जबरी गुमशुदगी और उनके हवाले से ये चाहता हूँ कि जहाँ कहीं भी जिस एरिया में किसी को अगर जबरी तौर पर लापता किया जाता है तो मैं ये समझता हूँ कि ये वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी तमाम सुलबा तंजीमों की जिम्मेदारी है, ये हमारे तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की जिम्मेदारी है, ये तमाम बाशऊर लोगों की जिम्मेदारी है कि वो उन खानदानों को सबूत के साथ सामने लाए ताकि जब वो खानदान सबूत के साथ सामने आएंगे तो फिर हमारे केस में जान होगा। और उसके अलावा मैं ये भी समझता हूँ कि इस हवाले से, मिसिंग पर्सन के हवाले से एक भरपूर अवामी मजम्मत की ज़रूरत है, एक भरपूर अवामी रद्दमल की ज़रूरत है, जिसके हवाले से मैं ये समझता हूँ कि तमाम बलोचिस्तान के तलबातनों को, पॉलिटिकल पार्टियों को और अहले बलोचिस्तान में बसने वाले दिगर अकवाम को ये एक इंसानियत सोच मजालिम है, इसके हवाले से उनको भरपूर प्लानिंग करना चाहिए और एक अवामी मुजाहमत दिखाना चाहिए कि बलोचिस्तान में जो मावराए आइन इकदाम हो रहे हैं, जो पुलिस जैसे नौजवानों की मशक्शुदा लाशें फेंकी की जा रही है, जो फेक इंकाउंटर में लापता अफराद को मारा जा रहा है या बलोचिस्तान के वसाइल को बेदर्दी से लूटा जा रहा है, इनकी रोकथाम के लिए एक भरपूर अवामी रद्दमल की ज़रूरत होगी। और उसके अलावा मैं ये समझता हूँ जो तीसरी जो बात है वो ये है कि मैं ये समझता हूँ इसके हवाले से आप तमाम ऑर्गेनाइजेशन को मिल के एक भरपूर कानूनी जंग लड़नी चाहिए। हमने तंजीमी सतह पर फैसला किया है कि हम दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इन केसेस के हवाले से। तो मेरी गुजारिश होगी तमाम तलबा तंजीमों से, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से कि वो आए वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन के हाथ को मजबूत करे ताकि हम अपनी लोगों की दिफा के लिए अपने नौजवानों को इस तरह बेदर्दी कत्ल होने से या उनको इस तरह रोडों पे घसीट के वीको गाड़ियों में डालने के हवाले से जो ले जा रहे हैं उनके रास्ता रोके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे तमाम लोग इस पे लाजमी संजीदगी से ये सोचेंगे और भरपूर हम एक दूसरे के दस्त बाजू बनेंगे और इन मसलों के हवाले से हम एक भरपूर किरदार अदा करेंगे। आखिर में मैं वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन की तरफ से अपने दोस्तों का, डीएसओ के दोस्तों का, डीएसओ पजार के दोस्तों का, बलोच वुमेन फोरम के दोस्तों का, लापता अफराद के लड़ाई टीम का और आज के एहतजाजी मुजाहरे में शरीक उन तमाम लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एहसास किया कि आज हमारे लोगों के हवाले से, जितनी गुमशुदगियों के हवाले से, फेक इंकाउंटर्स के खिलाफ आज सुरक्षा के सामने एहतजाज हो रहा है, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरा किया और आज आके यहाँ पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बड़ी मेहरबानी।